हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। आज हमें शुरू करना है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही सिंपल चैप्टर आपका है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हमारे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, दोनों को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, प्रैक्टिकल चीजों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ थ्योरी को हम आपके साथ इंटरप्रेट करेंगे, क्या चीजें निकल के आती है, फिर चैप्टर खत्म होगा। कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा है जिसको आपको ध्यान नहीं देना, अभी आप छोड़ दो, पहले मेरी बातें थोड़ी सी सुन लो, फिर हम देखेंगे बोर्ड पे हमने क्या लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, हमारे कंट्री में जब डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं तो जनरली वो डिवेंचर्स सिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड एंड रिडीमेबल डिवेंचर्स। मतलब हमारे कंट्री के अंदर में डिवेंचर्स की अगर मैं कैटेगरी बोलूं, ऐसे तो कई सारे कैटेगरी आपने इशू में पढ़ा होगा, लेकिन हमारे कंट्री में रिडीमेबल एंड सिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं, तो हम लोग उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस पूरे चैप्टर की स्टडी करेंगे। हमने कहा रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब होता है वो डिवेंचर्स जो कि एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो जाएंगे। पता है हमारे कंट्री में कहा गया बच्चे कि देखो, अगर आप डिवेंचर्स इश्यू करते हो तो डिवेंचर्स को आपको रिडीम कर देना होगा विद इन 10 ईयर्स। मतलब आप हमेशा के लिए डिवेंचर्स आप इरिडीमेबल अपने पास नहीं रख सकते। डिवेंचर्स अगर डेट ऑफ इश्यू जो है, जिस दिन आपने डिवेंचर्स इश्यू किया और जिस दिन आप डिवेंचर्स रिडीम करेंगे, उसके बीच में टू द मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होगा वो 10 ईयर्स का होगा। कितना बोला हमने, 10 ईयर्स का। हाँ, कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनको ये 10 ईयर्स का पीरियड को एक्सीड करके 30 ईयर्स किया गया है। मतलब वो कंपनीज चाहे तो डिवेंचर्स इश्यू कर सकते हैं, उनका पीरियड टू द मैक्सिमम 30 ईयर्स का हो सकता है। कौन से डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं, सिक्योर्ड रिडीमेबल डिवेंचर्स। अब ये 30 ईयर्स का जो पीरियड है वो किसको दिया गया है, तो मेरे बच्चे देखो कुछ कंपनीज का नाम लेता हूं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो कंपनी इन्वॉल्व है, इंफ्रा पे जो काम कर रही है, या वो कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करती है, ठीक है ना। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कंपनीज है, या उनको फाइनेंस करने वाली जो कंपनीज है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेप्थ देने वाली जो एनबीएफसीज है, आपकी बुक में भी सब पूछे, यहां भी सब पूछे, मैं भी समझाऊंगा, पहले मेरी बात सुन लेना कि डिवेंचर्स अगर आप रिडीम करना चाहते हो, मतलब इश्यू करना चाहते हो, तो उसका पीरियड ऑफ रिडम्पशन टू द मैक्सिमम 10 ईयर्स का होगा। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं मेरे बच्चे जिनको 10 ईयर्स से ज्यादा पीरियड के लिए भी डिवेंचर्स इश्यू करना अलाउ किया गया है, वो 10 से लेकर 2 द मैक्सिमम 30 ईयर्स तक का इश्यू कर सकते हैं। मतलब उनका डेट ऑफ रिडम्पशन जो होगा उनके डिवेंचर्स का, वो 2 द मैक्सिमम 30 ईयर्स हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। ये कौन कौन सी कंपनीज है जिनको 30 ईयर्स तक अलाउड किया गया है, तो हमने कहा पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है वो कंपनी, दूसरा हमने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में जो उनको उनके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती हैं, ऐसी कंपनी जो है, या इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेप्ट देती हैं ऐसी एनबीएफसी जो है, इन सबको 30 ईयर्स अलाउ किया गया है। इनके साथ साथ मेरे बच्चे अगर कोई ऐसी कंपनी जो कि आरबीआई के द्वारा या फिर आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा अगर उनको कहा गया है कि ठीक है जी आप भी 30 ईयर्स के लिए आप इश्यू कर सकते हो, तो ऐसी कंपनीज को भी काउंट किया जाएगा। मैं आपको बता दूं इन बातों को, मैं थोड़ा यहां दिखाऊं, मैंने लिखा हुआ आपको कि एज पर रूल 18(1) ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014, ध्यान रखना ये आपका जो रूल है मेरे बच्चे वो अमेंड हो चुका है, ये अमेंड हो चुका है, नाउ दिस इज 2019। लेकिन बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जहां पे हमने रूल 2014 लिखा है वहां पर रूल 2014 ही है, जहां पे 19 होगा वहां पे अमेंडमेंट रूल 2019 लिखा होगा। अभी आगे आएगा जहां पे हम बात करेंगे डीआरआर का कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, बनाने का रेट चेंज हो चुके हैं, तो वो आपका 2019 रूल के अंदर में है। यहां पे तो कहा जा रहा है रूल 18(1) ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014, मतलब 19 के पहले जो था वो उसी चीजों को हम लेके चलते आ रहे हैं, यहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। ये कहता है कि डिवेंचर्स जो इश्यू किए जाएंगे, ध्यान देना, इसमें कहता है कि डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर्स शैल नॉट एक्सीड 10 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू, जो मैंने बताया था। लेकिन हाँ, द फॉलोइंग कंपनीज में इश्यू सिक्योर्ड डिवेंचर्स फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 10 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 10 साल से ज्यादा लेकिन 30 साल से ज्यादा नहीं, कहने का मतलब टू द मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए डिवेंचर्स इश्यू कर सकते हैं। कौन सी कंपनी, वो कंपनी जो इंगेज्ड है
इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आपके बुक में भी ये चीजें हैं, लेकिन जब मैं ये सब पढ़ा दूंगा ना, जब मैं बोलूंगा कि आप इसको लिख लो, तो आप अपने रजिस्टर में इसको मेंशन कर लेना, लिखना आज से, ताकि आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से बातें बैठ जाए। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि जो इन कंपनीज इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी या फिर कंपनीज परमिटेड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, इसको शॉर्ट में कहते हैं, इनमें से किसी ने भी अगर कोई भी कैटेगरी में आप आएंगे तो 2 to maximum 30 years तक के लिए डिबेंचर्स इश्यू करना अलाउ किया गया है। रूल 18-1 कौन सा बच्चे, 18-1 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014, इस बात को ध्यान रखेंगे, 2014 के रूल के मुताबिक आपको बातें बताई गई है। सर ये जो डिबेंचर्स रिडीम होंगे वो किस तरीके से होंगे, उनका मेथड ऑफ रिडम्पशन क्या होगा? तो मेरे बच्चे आपको जो डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, आपके पास मेनली चार तरीके हैं। या तो क्या करो, आप लमसम एक जो टाइम पीरियड आपने दिया हुआ है कि भैया हम इतने समय के बाद डिबेंचर्स रिडीम करेंगे, उतने टाइम पीरियड के बाद क्या कीजिए, आप उनका पूरा पेमेंट कर दो। या फिर चाहो तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। इस साल कुछ पैसा रिपे कर दिया, अगले साल वो टर्म्स आपने पहले उनसे फिक्स करना होगा और उनके मुताबिक अगर आप चाहते हो जी मैं एक साथ पैसा वापस ना करूं, 2 साल के बाद इतना पैसा, 3 साल के बाद इतना, तो जो एग्रीमेंट क्या होगा इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करने का, वो भी काम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेथड्स ऑफ रिडम्पशन क्या हो सकता है। तीसरा हमारे पास है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होगा, ये आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं और स्टॉक मार्केट में जो नीडी लोग होंगे हम उनसे क्या करेंगे जी, उनसे डिबेंचर्स परचेज कर लेंगे कुछ पेमेंट करने के बाद जो उनका अमाउंट होना चाहिए। ये क्या होगा हम प्रैक्टिकली इसको बाद में भी देखेंगे। और फोर्थ है मेरे बच्चे बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब कि आपके डिबेंचर्स को किसी और डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देना, आपके डिबेंचर्स को किसी शेयर्स में कन्वर्ट कर देना, ऐसे भी हम डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को पूछ दे आपसे क्या क्या है, लमसम, इंस्टॉलमेंट, ओपन मार्केट, कन्वर्जन, चार मेथड हमारे पास यहां पे है, ठीक है ना। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे यहां पे। ये डिबेंचर्स कब रिडीम होंगे, ये जो मेथड्स आपको चार बताए गए हैं इससे कब, तो मैंने बच्चे मैंने बताया कि देखो ये आप रिडीम कर सकते हो आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, एक टाइम पीरियड 10 साल 12 साल 5 साल जो भी आपने डिसाइड किया होगा, या एनी टाइम आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। आपने पहले कह दिया था कि देखो जी 5 साल के बाद हम कभी भी आपका पैसा वापस कर सकते हैं, 3 साल के बाद हम कभी भी पैसा वापस कर सकते हैं, तो उतने पीरियड के बीतने के बाद आप कभी भी पैसा वापस कर सकते हैं, है ना। हम लोग बता रहे हैं ये जो रिडम्पशन आपका होगा कब हो सकता है, तो जितना टाइम आपने फिक्स किया था या तो उतने समय के बाद, या फिर आपने कहा होगा कि देखो जी 3 या 4 साल के बाद हम पैसा वापस कर सकते हैं वो, या फिर एक प्रॉपर नोटिस देकर आप पैसे वापस कर सकते हैं अगर आप दोनों एग्री करते हो तो, डिवेंचर होल्डर एंड कंपनी दोनों, और एनुअल ड्रॉइंग्स यानी कि हम एनुअली कुछ कुछ पैसा भी वापस कर सकते हैं। बट ध्यान रखना जो भी आप तरीका अप्लाई करोगे वो प्रॉपर एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहां पर निकल के आते हैं आपका, ये तीन बातें हमने बताई, 18-1 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014, ध्यान रखना मैं रिपीट कर रहा हूं, 2014 डिवेंचर्स कैन बी इशूड द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 इयर्स। लेकिन हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो कंपनीज हैं उनके जो आपके एनबीएफसी जो है या फिर उनको फाइनेंस करने वाले जो कंपनीज हैं या फिर आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जिसको रिकमेंड करे या फिर नेशनल हाउसिंग जो बैंक आपके हैं आपका वो जिसको रिकमेंड करे जो जिसको परमिट किया उन्होंने वो कंपनीज टू द मैक्सिमम 30 साल के लिए डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हैं। हमने कहा कि मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चार आपके होंगे, क्या क्या जी, लमसम, इंस्टॉलमेंट, ओपन मार्केट, कन्वर्जन। उसके बाद हमारे पास कब वापस कर सकते हो मैंने आपको बताया यहां पे आपका। अब हम आते हैं इसका अगला जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट था मेरे बच्चे कि रूल 18-1 के अंदर में क्या बोला गया जी, डिबेंचर्स जो इश्यू किए जाएंगे टू द मैक्सिमम 10 साल और उसके बाद क्या, या फिर ऐसी कंपनियों को 30 साल। लेकिन ध्यान रखना मैं एक बात बता दूं, ये जो आपके डिबेंचर्स होंगे 18-1 के अंदर में ये कौन से डिबेंचर्स होंगे, ये आपके सिक्योर डिबेंचर्स होंगे, है ना। ये कौन से डिबेंचर्स की बात कर रहे हम, सिक्योर डिबेंचर्स का। तो ये जो सिक्योर डिवेंचर्स होंगे इनको हम सिक्योरिटी क्या देंगे, इनको हम क्या सिक्योरिटी देंगे और कहां की सिक्योरिटी देंगे। तो कहा गया मेरे बच्चे 18-1 के अंदर में ही कि सिक्योरिटी चाहे मूवेबल एसेट्स का होगा चाहे इमूवेबल का होगा,
आप किसी के भी सिक्योरिटी दे सकते हो। मूवेबल एसेट्स हो जो मूव कर सकते हैं ऐसा, या इमूवेबल यानी कि कोई आपका लैंड बिल्डिंग जो आपका प्रॉपर्टी है वो भी सिक्योरिटी ग्रुप में दिया जा सकता है। हाँ, ये जो सिक्योरिटी दिया जाएगा या तो कंपनी के नाम पे हो जिस कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किया है, या फिर उनकी कोई होल्डिंग कंपनी हो जो उस पर कंट्रोल कर रही है, या इनकी कोई सब्सिडरी कंपनी हो या फिर कोई एसोसिएट कंपनी। मेरे प्यारे बच्चे, हमने कहा यहां पर चेक करो आप, आपका 18(1) के अंदर में नंबर ए में हमने टाइम पीरियड बताया कितने समय के लिए आप डिबेंचर्स इश्यू करोगे। उसके बाद बी जो है, बी कहता है कि आप जो डिबेंचर्स इश्यू करोगे सिक्योर्ड होगा बाय क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, या तो एसेट्स ऑफ द कंपनी या फिर सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी का मतलब कि जिसमें इस कंपनी का शेयर एटलीस्ट 51% होता है, या फिर होल्डिंग कंपनी जो इस कंपनी पे कंट्रोल करती है, या फिर एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है जिसकी होल्डिंग 20 से लेकर आपका 50% तक होता है आपका, यानी कि इस कंपनी का जो ये कंपनी जिसको इन्फ्लुएंस कर रही है। एसोसिएट का मतलब मतलब जिसपे आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हो और उसके लिए आपका इसमें जो होल्डिंग है वो 20 से 50% तो हम बोलते हैं एसोसिएट। दोबारा सुन लो मैंने क्या बताया, अगर आपके होल्डिंग इस कंपनी में 50% से ज्यादा यानी कि 51% या उससे ज्यादा होता है तो उसकी सब्सिडरी कंपनी होगी। एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है ये कंपनी जिनको इन्फ्लुएंस करती है और इस कंपनी के अंदर में अगर इनका होल्डिंग 20 से 50% तक होगा तो एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी यानी कि इस पे जो कंपनी कंट्रोल करती है, तो आप जो सिक्योरिटी दोगे एसेट्स का, वो सिक्योरिटी चाहे तो उस कंपनी का एसेट्स हो, चाहे तो कंपनी के जो होल्डिंग कंपनी है उसका हो, चाहे तो उसकी सब्सिडरी कंपनी हो और चाहे उसकी एसोसिएट कंपनी हो, किसी के भी एसेट्स को आप सिक्योरिटी ग्रुप में दे सकते हो एज पर आपका 18(1) आपका का बी पॉइंट के मुताबिक। सी में कहता है मेरे बच्चे कि जो आपका कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करती है तो बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस, डिवेंचर्स को इश्यू करने के लिए जो प्रोस्पेक्टस आप इश्यू करते हो उसके पहले डिवेंचर्स ट्रस्टी आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे। फिर ये डिवेंचर ट्रस्टी कौन से होते हैं मेरे बच्चे, जनरली ये बड़े बड़े कमर्शियल बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए, मतलब जिनके पास खूब सारा पैसा होता है वो लोग होते हैं, उनको आपको अपॉइंट करना होगा जो डिवेंचर ट्रस्टी होंगे। ये क्या करते हैं, क्या डिवेंचर होल्डर का प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, क्या उनका टाइमिंग पे पेमेंट हो रहा है, क्या उनके लिए पैसे प्रॉपर तरीके से रखे गए, उनका ही ध्यान रखते हैं। तो हमने कहा कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के पहले आपको डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स होता है उसके 60 डेज के अंदर में, 60 दिन के अंदर में आपको क्या करना होगा, डिवेंचर ट्रस्ट डीड यानी कि उनसे रिटर्न एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि आपने क्या सिक्योरिटी दिया है, कब आपको पेमेंट करना है, क्या चीजें होनी है, क्या एग्रीमेंट, सारी बात उसमें मेंशन होती है। तो मेरे बच्चे रूल 18(1) का आप देखेंगे सी पॉइंट के मुताबिक, कंपनी शैल अपॉइंट अ डिवेंचर ट्रस्टी बिफोर द इश्यू प्रोस्पेक्टस एंड विल एग्जीक्यूट डिवेंचर ट्रस्ट डीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर डिवेंचर्स नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसको याद रखना है। अगर थ्योरी कोई क्वेश्चन बना एक नंबर का या फिर बोल दिया कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रूल 18(1) ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल डिवेंचर्स रूल 2014, तो मेरे बच्चे ये बातें बतानी पड़ेंगी। सर क्या पॉइंट ए की बात ए में बताएंगे, बी की बात बी में, या ऊपर नीचे कर सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे, एक्ट में जब कोई बात बताई जाती है ना तो जितने भी आपके क्लॉजेज हैं, जितने भी सबसेक्शन हैं, उनको उसी तरीके से बताना होता है। तो कुछ बड़ी बात हो रही है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा कुछ, मैं मुझे तो लगता नहीं कुछ टफ का पाया जी। 18(1) के अंदर में जो पॉइंट नंबर ए है उसमें बताया गया है डिवेंचर्स कितने समय के लिए आप इश्यू करोगे, टू द मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड कितना हो सकता है, 10 और कुछ के लिए 30 आपका। फिर आपका 18(1) का आपका जो सेकंड बी पॉइंट आपका, उसमें कहा गया है कि आप जब डिवेंचर्स इश्यू करोगे तो दे विल बी सिक्योर्ड, और सिक्योरिटी आप किस किस कंपनीज का या कौन कौन से उनसे जुड़े हुए लोगों का आप एसेट्स के ऊपर दे सकते हो, तो कंपनी, उनका सब्सिडरी, उनका होल्डिंग, उनका एसोसिएट, हम इनके किसी भी एसेट्स को सिक्योरिटी ग्रुप में दे सकते हैं। 18(1) सी के अंदर बताया गया है कि आपको डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ डिवेंचर और फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर आपको डिवेंचर ट्रस्ट डीड भी तैयार कर लेना होगा।
ये आपका 18 का आपका सी पॉइंट में निकल गया। डी में कहा गया मेरे बच्चे कि जो डिवेंचर्स को सिक्योरिटी दिया जाएगा, जो इनको सिक्योर्ड किया जाएगा, तो जो हम सिक्योरिटी देंगे उस सिक्योरिटी को किस टाइप की प्रॉपर्टी होगी, वो मूवेबल भी हो सकती है, वो ई मूवेबल भी हो सकती है। आप देखो ना, मैंने वही बातें बताई हैं कि 18 डी के अंदर में सिक्योरिटी फॉर डिवेंचर्स बाय वे ऑफ चार्ज शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका। तो रूल 18(1) ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 में ए बी सी डी चार पॉइंट है। सर यहाँ जो 1, 2, 3, 4 का सीक्वेंस है क्या यही होना चाहिए? ये आप शफल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट रूल और उसके अंदर में जो डिफरेंट पॉइंट है, पैराग्राफ है, उनका नाम आपको याद रखना चाहिए। तो चार है जी ए बी सी डी 18(1) के अंदर में। वन में आपको बताया गया पीरियड के बारे में, सॉरी ए के में पीरियड के बारे में, बी में आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो आपका चार्ज होगा वो कंपनी या कंपनी से जुड़े हुए लोगों के एसेट्स के ऊपर में होगा। सी में आपको कहा गया कि ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे, ट्रस्ट डीड अपॉइंट करने पड़ेंगे। हाँ, ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। और डी में कहा गया कि आप जो चार्ज दोगे, सिक्योरिटी दोगे, वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है। ये आपका निकल गया मेरे बच्चे 18 का डी, यहाँ पे 18(1) का डी के बारे में, ठीक है ना। नाउ मेरी बात सर, आप बहुत फास्ट चल रहे हो। नहीं बच्चे, फास्ट नहीं चल रहा, थ्योरी तो मुझे ऐसे याद होता है, मैं रुक जाऊंगा, स्लो हो जाऊंगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा। आप देखो ना, आपने सारी बातों को याद कर ली, मेथड्स भी आपको पता चल गया, रूल 18(1) ऑफ आपका कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल जो 2014 है, 2014 19 नहीं 19 अमेंडमेंट वाला है जो डीआरआर और डीआरआई के बारे में आप कहेगा, मैं देखूंगा उसके बारे में, लेकिन हम अभी 2014 रूल के बारे में ही बात कर रहे हैं। एबीसीडी चार पॉइंट्स थे उसके अंदर में, जो हमने समझ लिया क्या क्या आपका है। डिवेंचर्स इशू होते हैं 10 साल के लिए, बट हाँ कुछ कंपनीज जो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो मैंने बताया आपका आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट जिसको परमिट करेगा या नेशनल हाउसिंग बैंक जिसको परमिट करेगा, वो आपका 30 ईयर्स के लिए भी डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई ना। अब हम आते हैं इसके बाद मेरे बच्चे, मेरा ब्लू पेन का है ना। अब हम देखते हैं डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, या फिर अगर मैं पूरी बात करूं तो डीआरआर एंड यहां पे है डीआरआई, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। पहले सुन लो, जब मैं पूरी बात आपको समझा लूंगा उसके बाद आप इसको लिखना। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो ये रूल क्या था, 18(1) था आपका सिक्योर्ड के बारे में और रिडीमेबल की जो बात किया। रूल 18(7) ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर अमेंडमेंट रूल, अमेंडमेंट यहां पे अमेंडमेंट नहीं था मेरे बच्चे, रूल 2014 ये अमेंड किया गया। अब अमेंडमेंट रूल 2019 आया, पढ़ेंगे आप 18(7) ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर अमेंडमेंट रूल 2019, जिसमें कंपनी को डीआरआर कितना बनाना है, डीआरआई कितना बनाना है, उसके बारे में बताया गया। सर ये डीआरआर क्या होता है, डीआरआई क्या होता है मेरे बच्चे, ये तो मैं आपको थोड़े आगे बताऊंगा प्रैक्टिकली क्वेश्चन को समझाते हुए। अभी बस इतना समझ लो, डीआरआर का मतलब हमारे नए इसमें कहा गया है कि देखो जी, जो प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है डिविडेंड को पे करने के लिए, मतलब समझ लो फिलहाल प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को आप सारा का सारा पैसा एज डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मत दो, क्योंकि आपको डिवेंचर्स को भी रिडीम करना है। तो आप एक काम करो, उसमें से कुछ पैसा निकालकर डीआरआर यानी कि प्रॉफिट से माइनस करके डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व के नाम पे आप जमा कर दो, अलग से इसके नाम से पैसा कर दो, ताकि कम से कम जब डिवेंचर्स को रिडीम करना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको खूब सारा पैसा रिजर्व के रूप में पड़ा होगा। ये डीआरआर होता है, कैसे बनते हैं क्या, अभी आगे थोड़ा सा रुक जाओ, पहले हम इसके परसेंटेज में बात करना चाहते हैं। और डीआरआई मतलब कि आपको डिवेंचर्स को रिडीम करने के पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखना होगा, ताकि कहीं सारे पैसे सारा कैश आपने यहां वहां यूज कर लिया तो डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए पैसा कहां से आएगा, तो आपको डीआरआई मेंटेन करना होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट करके कुछ रखना होगा। अब इस पे ज्यादा भी ध्यान मत लगाओ, हमने सिर्फ इतना बताया डीआरआर का मतलब प्रॉफिट से कुछ पैसा अलग से रखना डीआरआर के नाम पे।
और DRI का मतलब हमने बताया कि कुछ पैसा जो आपके पास ऑलरेडी कैश के रूप में पड़ा हुआ है उसमें से एक परसेंटेज आपको इन्वेस्ट करके रखना है डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए, ताकि अगर पैसे की कमी आएगी तो इन्वेस्टमेंट को बेचकर हम डिवेंचर्स रिडीम कर देंगे। अभी इतनी बातें समझो, इसको प्रैक्टिकली हम आगे देखेंगे। अब ये DRR और DRI कितना बनेगा, इसका परसेंटेज क्या होगा, इसके पहले छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी, ये अमेंडमेंट आया क्यों। मेरे बच्चे आपको शायद नहीं पता, हमारे कंट्री के अंदर में बहुत सारे उल्टे सीधे जो नियम थे, कानून थे, उसको खत्म किया जा रहा है। करंट जो गवर्नमेंट आपकी है, उन्होंने बहुत सारे उल्टे सीधे नियम पहले के खत्म कर दिए गए। कंपनीज को बहुत हद तक लिबर्टी दिया गया है बिजनेस करने के लिए, आप अपने मुताबिक काम करो। हर एक कंपनी को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो बाहर की कंपनी हमारे कंट्री में आ रही है काम करने के लिए, चाहे हमारी कंट्री में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो रहे हैं, उनको मैक्सिमम लिबर्टी दे, उन पे विश्वास करे कि हाँ कंपनी ठीक से काम करेगी। उनको भी अपने गुडविल को देखना है, उनको भी प्रॉपर तरीके से करना है। और हाँ, हमने डिवेंचर्स को के लिए तो ट्रस्टी अपॉइंट किए ही है, वो तो उनका टेक केयर करेंगे ही करेंगे कि प्रॉपर तरीके से उनका पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से उनका इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है कि नहीं, ये सारी बातें ऑलरेडी देख रहे हैं, तो फिर बाद में फालतू में एक्स्ट्रा कंट्रोल क्यों करना। तो कहा गया कि देखो जी, जितनी भी कंपनीज हमारे कंट्री में है उनको कुछ कैटेगरी में डिफाइड कर दिया गया, और कहा गया कि आप में से किसी को भी DRR बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नए रूल की बात कर रहा हूं। पहले मैक्सिमम कंपनीज को मेरे बच्चे DRR बनाना पड़ता था, मैक्सिमम कंपनीज को। अब कम से कम कंपनीज के ऊपर में इसको इंपोज किया गया है। वो कहते हैं कि आप प्रॉफिट से DRR की जो एंट्री करेंगे, और उन कंपनीज पे इसको बोला गया जिन पे जनरली गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, मतलब अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उन कंपनी अगर वो कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करते तो उनको कहा गया कि देखो जी आपको DRR बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम आप पे बहुत ज्यादा हमारा कंट्रोल नहीं है। और वो लिमिट भी 10% कर दिया गया। मैंने एक टेबल आपके लिए बनाया हुआ है, आप इस टेबल को देखेंगे, DRR का रेट किसके लिए क्या है और DRI का क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया कि अगर कोई डिवेंचर्स इश्यू करता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI एंड बैंकिंग कंपनी, मतलब मैं आपको बता दूं, चाहे AIFI हो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI या फिर बैंकिंग कंपनी हो, कोई DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनको छोड़ के किसको जी, जो RBI के द्वारा रेगुलेट होते उनको छोड़ के जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, कहते जो NBFC के लिए रूल होगा वही आपके लिए होगा। सेम हियर, यहां भी सेम बोला गया है कि जो NBFC के लिए रूल होगा। अब इनको छोड़ो भी दिमाग में, यहां पर आ जाओ, जितने भी लिस्टेड कंपनी है, चाहे लिस्टेड आपका NBFC हो जाए, चाहे लिस्टेड आपका यहाँ पे HFC हो जाए, हाउसिंग फाइनेंशियल आपका कंपनीज हो जाए, चाहे कोई और लिस्टेड कंपनी हो, किसी DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिस्टेड हो ना, सेबी ऑलरेडी आपको कंट्रोल करना, फिर फालतू में क्यों अलग से रूल बनाए। तो बोलते अब किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहते जो अनलिस्टेड कंपनी होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं पहले ही बता चुका हूं, थोड़ा सा समझा रहा हूं बस। जो अनलिस्टेड कंपनी होंगे उसमें भी जो अनलिस्टेड NBFC है, अनलिस्टेड HFC है, उनको भी किसी DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ जो अदर अनलिस्टेड कंपनीज होंगे उन्हीं को DRR बनाना पड़ेगा, और 10% ऑफ डिवेंचर्स वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग, जितने डिवेंचर्स आपने इश्यू किए हैं, जितने डिवेंचर्स आपके इश्यू किए हैं उसका 10% का आपको DRR बना के अपने पास रखना होगा। ये DRR जो बनेगा कब तक बनेगा, कहते हैं कि ये जो आपको बनाना होगा बच्चे, ये होगा अप टू 31st मार्च, या चलो मैं इसको अलग से लिखाऊंगा आपको यहां पे, फिलहाल अभी रेट को देख लीजिए। तो कहते हैं कि आपको ये जो DRR बनाना होगा, ये आपको क्या करना होगा, ये रेट एक बार दोबारा सुन लो यहां पे मेरी बात। कोई भी डिवेंचर्स इश्यूड बाय AIFI हो जाए या फिर बैंकिंग कंपनी हो जाए, नो DRR रिक्वायर्ड। जो अदर फाइनेंशियल, यानी कि इनको छोड़ के जो दूसरे फाइनेंस वाले हैं, ये भी तो फाइनेंस वाले ही है ना, तो ये तो RBI गवर्न कर रहा है जी, और दूसरा बैंकिंग कंपनी, इनको छोड़ के जो दूसरे होंगे, कहते जो NBFC के लिए रूल होगा। अब NBFC के लिए क्या रूल दिख रहा है, लिस्टेड है तो नो DRR, अनलिस्टेड है तो नो DRR, मतलब आपके लिए भी किसी DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनेंस में डील कर रहे हो, अपना खूब सारे पैसे ऑलरेडी है, क्यों फालतू में कंट्रोल करना। तो कहते हैं कि जो भी आपके AIFI है रेगुलेटेड बाय RBI, या फिर आपका बैंकिंग कंपनी,
या फिर आपका अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, नो DRR रिक्वायर्ड, क्योंकि इनको NBFC का ही रूल लगना है, तो वहां पे नो तो यहां भी नो। फिर कह दो कि जो लिस्टेड NBFC है, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड, नो DRR। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपके हैं, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड, नो DRR। मेरे बच्चे जो अदर लिस्टेड कंपनी है, नो DRR। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड हो अदर में, यानी कि इन सबको छोड़ के बाकी किसी में भी आओगे, तो ही 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर आपको DRR बनाना पड़ेगा। DRR की बात की लेकिन अगर मैं DRI की बात करूं, इन्वेस्टमेंट करना, कि भैया कुछ कैश आपको इन्वेस्ट करके अलग से रखना पड़ेगा डिवेंचर्स को रिडीम करने के टाइम पे, अगर पैसे की कमी आए तो उस इन्वेस्टमेंट को बेचकर आप डिवेंचर्स रिडीम कर दोगे। इस काम के लिए कहा गया कि इनको कोई DRI की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी फाइनेंस में, ये फ्रांस में ही डील करे, तो फिर क्यों फालतू में DRI बनाए? मेरे बच्चे कहते हैं कि आपको खूब सारा पैसा है और पैसा इन्वेस्ट करना ही काम है, आप ऐसे ही कर रहे हो, हम आपको नहीं करते। कहते हैं कि जो अदर फाइनेंशियल होगा, ये तो जो NBFC का रूल होगा वही होगा, और कहता है देखेंगे लिस्टेड NBFC है तो 15% आपको DRI बनाना है। कब तक बनाना है, कैसे, वो बात की बात है, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप यहां लिख लीजिए कि अगर वो लिस्टेड NBFC है तो कितना जी, 15%। लिस्टेड HFC है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपका है लिस्टेड, तो कहते हैं इनका भी 15%, अदर लिस्टेड में 15, या ऐसा कह दो कोई भी लिस्टेड कंपनी होगा, कोई भी लिस्टेड, तो हम कितना कर दिए, 15% आपका। अगर ये अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर ये भी लिस्टेड है तो इनको भी क्या करना होगा, सेम 15%। मेरे बच्चे अगर वो अनलिस्टेड है, अगर वो अनलिस्टेड है तो कहते हैं कि अनलिस्टेड NBFC, अनलिस्टेड HFC नहीं बनाना आपको, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन हाँ, अगर अदर अनलिस्टेड कंपनीज हैं तो यहां पे आपको 15% बनाना पड़ेगा। अगर सिंपल शब्दों में देखें, DRR किसी को भी नहीं बनाना, सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनी को बनाना है, ये आपका हो गया 10% का। और DRI जो आपका है मेरे बच्चे, वो हमने क्या देखा, सारे लिस्टेड लोगों को बनाना है, और अनलिस्टेड में सिर्फ लास्ट वाले को, सारे लिस्टेड लोगों को बनाना है, लिस्टेड NBFC हो, लिस्टेड HFC हो, क्या बोलते हैं आपका HFC हो, चाहे वो अदर लिस्टेड कंपनीज हो, चाहे वो आपका अगर अनलिस्टेड में आ जाओ, तो सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनी को 15% इनको बनाना है। जो फाइनेंस वाले हैं इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। आप प्लीज जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर मुझे इसके बाद कुछ और भी नोट लिखना है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी, मुझे उस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराना है। आप वीडियो को पॉज कर लो, आप वीडियो को पॉज कर लो, इवन तो ये मैंने आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन एक बार लिखो ना, जब एक बार लिखोगे ना तो कम से कम क्या होगा मेरे बच्चे, ये बातें आपके दिमाग में बैठेंगी। जब हम कुछ समझते हैं और फिर उसको लिखते हैं तो बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो आप अपने नोटबुक में इन सबको मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद ही क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप प्लीज इसकी कॉपी करें, आप इसकी कॉपी करें, आपको जब मैं इसको मिटा के दोबारा आपके पास आऊंगा, आप जल्दी से पहले इसको कॉपी करें। हाँ जी बच्चों, ये हो गया आपका, मैंने आपको बता दिया। अब इधर मैंने क्या किया, कुछ और टाइम आपका बर्बाद ना हो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसी से जुड़ा हुआ हमारा रूल जो 18(7) चल रहा है उसी की कुछ बातें हैं कि DRR हमें कब तक बनाना है, DRI हमें कब तक बनाना है, उसकी क्या एंट्रीज होगी, तो उन बातों को मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। देखो, एवरी अनलिस्टेड अदर अनलिस्टेड कंपनी, मतलब मैं इनकी बात करूं, यहां से मैंने लिंक किया है सिर्फ इनको, आपको इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब जो प्रॉफिट है आपका इन DRR अकाउंट। तो कहता है कि आपको क्या करना है, जो डिबेंचर्स रिडीम करने, जो डिबेंचर्स आपके पास हैं, जो डिबेंचर्स आपके पास हैं, उनका 10% आपको प्रॉफिट से निकालकर क्या करना है जी, कि हमें DRR के नाम पर ट्रांसफर करना है। तो इसके एंट्री क्या होगी, कहता है कि ध्यान देना, अगर मैं, ओहो ये तो कुछ गिर गया मेरे हाथ पे, इतने सारे इंक पता नहीं बदमाश ने क्यों डाला था, बट एनीवे कोई बात नहीं, हाथ गंदा हो गया है, थोड़ा सा साफ कर लूं मैं एक सेकंड में। आइए जरा अब ध्यान देंगे आप यहां पे, मेरे हाथ पे नहीं, हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एंट्री क्या होगा, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को देखेंगे तो वो कहते हैं आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी लिखना नहीं, मेरी पूरी बात पहले सुन लेना, उसके बाद वो कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब SPL एक्चुअली
अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट से पैसा निकालकर आपको ट्रांसफर करना है कहां पे जी, डिवेंचर, डिवेंचर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसमें वो कहते हैं कि ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे अगर इसको बहुत ध्यान से देखें ना, तो वो कहते हैं कि आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ही ऑप्शन नहीं रह जाता। मैं प्रायोरिटी में इवन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि एसपीएल को ही हम लोग यूज करेंगे, नो डाउट। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि जो प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसमें हमारा जनरल रिजर्व भी आ जाता है। जनरल रिजर्व आपका हो गया है ना, डिविडेंड इक्वलेशन फंड हो गया, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वलेशन फंड जो डिविडेंड को पे करने के लिए आपका होता है। मतलब किसी समय अगर मान लो हमें आपका डिवेंचर्स को रिडीम करना है और मान लो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पैसे नहीं है, मतलब करंट प्रॉफिट कम है, तो पहले का जो जनरल रिजर्व होगा या डिविडेंड इक्वलेशन फंड होगा, हम वहां से भी इसको ट्रांसफर कर लेंगे। ध्यान रखना आपके इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हुए सिर्फ अभी हमारा प्रेफरेंस पहले क्या होगा, इसका होगा, हम इस पर ही काम करेंगे। लेकिन अगर बाद में कभी कोई बोले कि क्या इससे नहीं बना सकते, तो बना सकते हैं, क्योंकि एक्ट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं लिखा हुआ है, वो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड लिखा हुआ है, तो हम ये आपका काम लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये हमें एंट्री करना है, ये एंट्री करना है, डिवेंचर्स जितने हमारे हैं, जितने भी डिवेंचर्स हैं, उन डिवेंचर्स का 10% हमें क्या करना है, डीआरआर बनाकर रखना है प्रॉफिट से निकालकर। और सेकेंड पार्ट में कहता है वो डीआरआई को लेकर कि एवरी स्पेसिफाइड कंपनी, स्पेसिफाइड जहां जहां मैंने स्पेसिफाई किया है रेट आपका, शैल इन्वेस्ट एन अमाउंट एटलीस्ट 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स दैट शैल बी रिडीम्ड बाय द कंपनी बाय 31st March नेक्स्ट ईयर एंड अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड ऑन और बिफोर 30th April ऑफ द करंट ईयर। ये डेट मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं एंट्री बता दूं। मेरे बच्चे ये तो है प्रॉफिट से पैसा निकालकर रिजर्व में ट्रांसफर करने का। ये कहता है कि आपके पास जो कैश है उस कैश को भी आपको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके आपको रखना पड़ेगा, ताकि कल को डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए पैसे की कमी ना हो। अगर कैश रहेगा आपके पास तो कैश का कुछ भी कर सकते हो। तो एंट्री लिखेंगे आप यहां पे डिवेंचर, डिवेंचर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो दो बातें बताई गई है कि देखो जी आपको यहां पे रूल 187 के मुताबिक प्रॉफिट से निकालकर आपको डीआरआर बनाना है, पहला पॉइंट, यानी कि सारा प्रॉफिट आपको डिविडेंड के रूप में यूज नहीं करना, कुछ पैसा आपने क्या करना डीआरआर, यानी कि एक रिजर्व बनाना पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ कहा गया है कि कुछ स्पेसिफाइड कंपनी के लिए आपने जो भी कैश आपके पास है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, और वो इन्वेस्टमेंट यूज किया जाएगा डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए, और वो रेट कितना जी 15% का। अब ना मैं ये दोनों बात आपको पहले समझाना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं, अच्छा रहेगा मैं एक डायग्राम से समझाऊं, बहुत ध्यान समझना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो ये हमारा, ये मान लो 31st March 2020, मान लो ये आपका डेट ऑफ, डेट ऑफ रिडम्पशन है, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, ये डिवेंचर्स रिडीम करना है। तो कहा गया कि देखो जी अगर आपका ये डेट ऑफ रिडम्पशन है तो इसका पहला, जरा बताओ कब आपका आएगा, ये आएगा 31st March 2019, अगर ईयर एंडिंग आपका 31st March को होता है। पर बच्चे कहते हैं कि जो डेट ऑफ रिडम्पशन है उसके पहले तक आपने क्या करना, यानी कि यहां तक आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट से डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डीआरआर में आपको अनलिस्टेड जो कंपनी है, अदर अनलिस्टेड कंपनी, उनके लिए क्या करना है कि 10% का अमाउंट ट्रांसफर करना है। ये जो ट्रांसफरिंग होगा प्रॉफिट लॉस से डीआरआर में, ये इस दिन हो सकता है, इसके पहले, इसके पहले कभी भी हो सकता है, मतलब इकट्ठा कर दो, एक बार में कर दो, दो बार में कर दो, पांच बार में कर दो, कुछ पहले फिर कुछ अभी, कुछ कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको कहता है यहां पर डीआरआर में ट्रांसफर करने का। लेकिन ध्यान देना यहां पर क्या बता रहा है कि जो डिवेंचर्स यहां पर रिडीम हो रहे हैं
उनके अगेंस्ट आपको इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल यहाँ 2019 यानी कि जिस साल में डिवेंचर रिडीम होना है, जिस डेट पर रिडीम होना है उसके पहले का जो 30 अप्रैल है यहाँ तक आपको क्या करना है जी, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना है जो 15% आपका होगा। दोबारा पढ़ लो, एवरी अदर अनलिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिटेबल फॉर डिविडेंड इन DRR अकाउंट। और ये कहता है एवरी स्पेसिफाइड कंपनी शैल इन्वेस्ट एन अमाउंट एटलीस्ट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर दैट शैल बी रिडीम्ड बाय द कंपनी बाय 31st मार्च नेक्स्ट ईयर। जो 31st मार्च नेक्स्ट ईयर यानी कि यहां तक मान लो दिस इज नेक्स्ट ईयर, अगर यहां पे कोई रिडीम होना है तो उसके अगेंस्ट में कहता है कि आपको 31st मार्च कहां गया, अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ करंट ईयर, यानी कि जो करंट ईयर आपका है उसका 30th अप्रैल तक आपको उसका इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। दो बातें और सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। कहते हैं कि अगर आपका यहाँ पे जो डिवेंचर्स रिडीम होना है, ये मान लो आपका 10 लाख रुपीज के है, 10 लाख के, तो 10 लाख का आपका 10% कितना हो गया 1 लाख, ये एंट्री आपका 1 लाख से यहाँ पे होना चाहिए, 1 लाख रुपए प्रॉफिट से निकाल कर रखना है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो कितना जी, 1,50,000 का, 1.5 लाख रुपए, यानी कि 15% तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अगर आप किसी भी कैटेगरी में आप जाते हो तो, ठीक है ना। तो ये दो बातें यहां पे समझनी होगी। लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि देखो जी, आप ना ये आपका जो प्रॉफिट लॉस से DRR में और ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये किस दिन पे एंट्री करो। कहते कि क्वेश्चन में अगर साफ साफ नहीं बताएगा ना कि किस दिन पे हमने किया, क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है मेरे बच्चे वो हम कभी भी कर सकते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट है आज के पहले कभी भी कर सकते हैं, ये लास्ट डेट है कि इस दिन तक आपको इतना DRR और इतना इन्वेस्टमेंट करके रखना, दिस इज लास्ट डेट। जब आप रिडीम कर रहे हो तो इस समय तक इतना इतना ही हो जाना चाहिए। हम लोग कब करें, तो इंस्टीट्यूट कहता है आप उनके गाइडलाइंस को पढ़ेंगे कि देखो जी आपको टेंशन नहीं लेना, अगर क्वेश्चन में आपको डेट ना बताए तो जो डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स होगा, जिस दिन डिवेंचर्स आपने अलॉट किया होगा, हम उसी दिन ये दोनों एंट्री पास कर लेंगे, उसी दिन। मतलब अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा, हमें 2-3 डेट का चक्कर नहीं रखना, हमें एक ही दिन पे क्या करना जी, पूरा जो 10% और 15% का अमाउंट है हम उस दिन ही एंट्री पास कर लेंगे, कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इन्वेस्ट अगर ये डेट ऑफ रिडम्पशन है तो इन्वेस्टमेंट कब तक होना चाहिए, तो फिर ये होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो डिवेंचर्स रिडीम हो रहा है यहां पे, सपोज दैट आपका 30th नवंबर अगर आपका डेट ऑफ रिडम्पशन है, ये डेट ऑफ रिडम्पशन है, तो कब तक होना चाहिए, तब भी आपका ये होना चाहिए। मतलब जो डेट ऑफ रिडम्पशन है उसके पहले का जो 30th अप्रैल है वहां तक आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये लास्ट डेट है मेरे बच्चे। अभी क्वेश्चन में और क्लियर करूंगा, ये लास्ट डेट है, इसके पहले कभी भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कर लो आप। तो इसलिए इंश्योर कहता है कि आपको अगर मैं डेट ना बताऊं कि कब किया गया, तो आप जब डिवेंचर्स जिसने अलॉट हुए होंगे ना, आप उस दिन मान लो कि सब कुछ दोनों एंट्री पास कर दिया गया, मतलब कंपनी ने लीगल कंप्लायंस पूरा कर लिया है। तो ये बातें यहां निकल के आती हैं, इनको लेकर आप प्लीज कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन से इसको समझाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं इसको मिटाता हूं, इनको मैं मिटाता हूं और फिर मैं अब एक एग्जांपल से आपको ये बातें समझाता हूं, मैंने क्या बताया आपको यहां पे। और फिर सर एग्जाम में किस कंपनी के लिए DRR बनाना है या DRI बनाना है, क्या क्वेश्चन में मेंशन करेगा? हाँ मेरे बच्चे, अब जो इतने सारे आपके स्लैब्स आ चुके हैं तो एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि किस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। अगर वो आपका कंपनी का नाम नहीं बताएगा फिर तो काम ही नहीं होगा। मुझे अभी वो नहीं मिटाना चाहिए था, बट एनीवे आपके पास है, आप उसको देख लेना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पुट करता हूं। शुरू करते हैं, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे। अब आपको बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, लिखिए मेरे साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लिखेंगे आप। पहला पॉइंट यहां पे, पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि ए लिमिटेड ब्रैकेट में अदर अनलिस्टेड कंपनी, अदर अनलिस्टेड कंपनी,
ये अनलिस्टेड कंपनी है, याद कीजिए जो मैंने रेट दिया था मेरे बच्चे, अगर वो अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो DRR का जो परसेंटेज था 10% था और DRI हमारा 15% था, आपको शायद याद होगा। कहता है हेड इश्यूड 12% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 50 lakhs ऑन 1st January 2019, फुल स्टॉप। कहता है देवेर रिडीमेबल, ये रिडीम होने हैं, देवेर रिडीमेबल ऑन कहता है आपका देवेर रिडीमेबल ऑन, कब ले लूं मैं, चलो 31st मार्च 2021 इस दिन पे वो रिडीम होने हैं। कहता है कि मेक एंट्रीज फॉर इश्यू एंड रिडम्पशन। बोलता बताओ क्या करेंगे आप यहां पे। तो मेरे बच्चे सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, पहले तो मैं 1st जनवरी 2019 को एंट्री पास करूंगा, है ना। तो जब आपने यहां पे इश्यू किया तो एंट्री क्या क्या होगा, जब डिवेंचर्स इश्यू किए गए होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू क्योंकि पैसा एक ही बार में सारा मंगा लिया आपने, 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये मानते हुए कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमने साथ में कर दिया होगा तो आपका कितना जी 50 lakhs rupees से एंट्री पास किया गया होगा, है ना। ये हमारा पैसा स्टार्टिंग में जो आया और आज ही हमने क्या किया होगा जी, इनको अलॉट कर दिया गया होगा, हमने आज ही अलॉट कर दिया होगा। तो मेरे बच्चे आप यहां पे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ये 50 lakhs rupees एंड टू डिवेंचर अकाउंट, यानी कि हमने यहां पे डिवेंचर अकाउंट में उनको हमने ट्रांसफर कर दिया गया होगा 50 lakhs rupees का। ऑल्टरनेटिवली आप चाहो तो इसकी एक एंट्री पास कर लो, दो एंट्री के बजाय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट 50 lakhs 50 lakhs, वो भी ठीक है, बट दो एंट्री अच्छा लग रहा मुझे, हमने काम पूरा किया। अब मैं रिडम्पशन के पहले अपने जो लीगल कंप्लायंस है रूल 18(7) उसको पूरा करना चाहता हूं। देखो क्वेश्चन में 31st मार्च 2021 ये आपका डेट ऑफ रिडम्पशन है, ये हमारा डिवेंचर रिडीम होने का डेट है। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि अगर ये डेट ऑफ रिडम्पशन है तो ये रहा 31st मार्च 2020, इस समय तक DRR बन के तैयार हो जाए और आपका 30th अप्रैल 2020 यहां तक आपको DRI बना लेना, दिस इज लास्ट डेट, यहां तक बना लेना है। मुझे बताओ क्वेश्चन में कहीं भी आपको बता रहा है क्या कि DRR और DRI कब बनाया गया, नहीं बता रहा है, कहीं कुछ नहीं बता रहा है। तो मेरे बच्चे इंस्टीट्यूट की बात को मानते हुए आपका ये जो डेट ऑफ इश्यू था 1st जनवरी 19, इसके बाद का जो पहला 31st मार्च आएगा यानी कि 31st मार्च 2019, हम यहीं पे दोनों एंट्री कर लेंगे। आप समझो मेरी बात ना, हमें क्या करना, या तो हम 1st जनवरी को भी कर ले, बट क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम साल के एंड में बनाते हैं तो मेरे बच्चे हम 31st मार्च 2019 को यानी कि 31st मार्च 2019 को हमें दो एंट्री करना होगा, एक तो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सरप्लस अकाउंट, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी कि ये मानते हुए कि हम पहले कानून को जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं, 50 lakhs का 10% यानी कि 5 lakhs rupees से ये एंट्री हम पास कर लेंगे। कोई पूछे ये 5 lakhs कैसे है, तो कह देना कि 50 lakhs rupees के डिवेंचर्स हैं, उनका आपका 10% यानी कि 5 lakhs से हमने बनाया।
और ऐसे तो डेट हमारे पास इस दिन तक का था डीआरआई बनाने का, लेकिन हम लोग डीआरआई भी मेरे बच्चे आज यानी कि 31 मार्च 2019 को ही बना लेंगे, जब तक क्वेश्चन आपको बताए ना, ये मानते हुए कि हमने सारे कंप्लेंस स्टार्टिंग में कर लिए ताकि बाद में कोई बंदिशें बचे नहीं। तो हम लोग आज इन्वेस्टमेंट में क्या बोलेंगे जी, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडम्पशन के लिए हमने इन्वेस्टमेंट बना के रखा हुआ है टू बैंक अकाउंट, हमने बैंक से इसका पेमेंट किया होगा और ये जो इन्वेस्टमेंट करने का वो कितना जी 15%, तो 50 लाख रुपीज का आपका 15%, ध्यान रहे जितने रुपए के डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं उनका 15%, फिलहाल सारे रिडीम हो रहे हैं इसलिए हम सारे पे लगा रहे हैं, तो 50 लाख का 15% कितना हो गया 7,50,000, ये 7.5 लाख रुपए का हमने क्या किया जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिया। 31 मार्च को दो एंट्री हमने पास किया, ध्यान रखना ये आपका इश्यू के टाइम की एंट्री हो गया और ये ठीक उसके बाद का जो 31 मार्च था उस समय हमने किया, ये काम खत्म। अब हम रिडम्पशन के टाइम पे आते हैं, रिडम्पशन यानी कि 31 मार्च 2021, इस दिन पे हम क्या करेंगे इस दिन पे। अच्छा एक चीज बता दूं मैं, ये जो आपने डीआरआर में 5 लाख ट्रांसफर किया, हो सकता था कि आधा आप यहां ट्रांसफर करते आधा यहां ट्रांसफर करते, मतलब यही आ रहा ना, हाँ जी यहां या दो बार में या कुछ यहां कुछ या कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे, वो कंपनी के लिए बढ़ती है, बट क्वेश्चन कुछ ना बताया तुमने पहले पूरा कर लिया, ठीक है ना, अगर बताएगा अभी देखेंगे तो उस तरीके से हम काम करेंगे। अब 31 मार्च 2021 को हमें क्या करना है, क्योंकि हम अपने सारे लीगल कंप्लायंस पूरा कर चुके हैं, अब हमें इनका पेमेंट करना है, तो मैं आज क्या करूंगा कि जो हमारे बैलेंस शीट में 12% डिवेंचर यानी कि जो हमारी लाइबिलिटी है 12% डिवेंचर, इस लाइबिलिटी को मैं हटा दूंगा, कितना पेमेंट करना है 50 लाख रुपीज आपका, और ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। अब किसको ये पे करना है, डिवेंचर होल्डर को, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, है ना, 50 लाख रुपीज का अमाउंट, ये हमने क्या किया, ये बीइंग अमाउंट ड्यू हो गया, बीइंग अमाउंट ड्यू, हमने अमाउंट ड्यू किया है कि हमें आपको पेमेंट करना है, और 31 मार्च 2021 को अब हम इनका पेमेंट कर देंगे, यानी कि जब पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, 50 लाख। अब पॉसिबिलिटी है कि 50 लाख का जो पेमेंट करना है तो उस समय हमारे पास पैसे ना हो, कुछ पैसे कम पड़े, कोई बात नहीं, अगर ट्रस्टी तो ध्यान दे रहे ना बच्चे, ट्रस्टी हमने इसलिए पॉइंट किया था कि उनको ध्यान रहे कि हाँ भैया पैसा उतना है, बट कुछ कम पड़ गया तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, अगर कम नहीं पड़ा तब भी इन्वेस्टमेंट को अब हटाना है, इन्वेस्टमेंट हमने इसलिए किया था कि डिवेंचर्स को जो पैसा रिडीम करना है डिवेंचर होल्डर को, उसके लिए पैसे कम ना पड़े, पेमेंट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं पेमेंट हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, और अगर पेमेंट हो गया तो भी बेचना है क्योंकि अब इस इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं मेरे बच्चे, समझे मेरी बात ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये तो एक सेफ्टी है जो हमें इंश्योर करना पड़ा कि भैया कम से कम 15 पैसा इन्वेस्ट करके रखो, लेकिन पेमेंट तो पूरा करना है, पैसे इंजाम करने हैं, कंपनी ने पे कर दिया, अब पेमेंट करने के बाद हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको बेच देंगे, जब बेच देंगे तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और इस इन्वेस्टमेंट को हटा दो, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमने क्या किया इसको सेल कर दिया, कितने में बिका क्वेश्चन बताएगा, ना बताए तो जितने का है उतने में बेच दिया, यानी कि 7.5 लाख रुपए, है ना, क्वेश्चन पक्का बताएगा, ना बताया तो क्या करेंगे जी, हमने माना कि यहाँ पे 7.5 लाख में बेच दिया, और इसके बाद अब जो ये आपका डीआरआर है, डीआरआर मेरे बच्चे हमने रखा था डीआरआर का नाम कि डिवेंचर्स को रिडीम के लिए यूज किया जाएगा, डिवेंचर्स रिडीम हो गए, अब तो इस नाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको इस नाम को भी हटा देना पड़ेगा और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये जो नाम है इस नाम को हटा के अपने बैलेंस शीट से इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना होगा। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब हो गया कि अब हमें ये 5 लाख का जो अमाउंट है ये 5 लाख रुपए अब हमें यहाँ पे अब डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए नहीं चाहिए तो पैसा फिर से फ्री हो जाएगा। पहले प्रॉफिट से हमने डीआरआर में ट्रांसफर किया था, फ्रीज किया था कि पैसा हमें अभी क्या करना है जी, हमें अभी रखना है डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए, डिवेंचर्स रिडीम हो गए तो पैसा फ्री हो गया, अब जो करना आप करो, आपका पैसा है जी, कंपनी का पैसा है। तो मेरे बच्चे ये सारी एंट्रीज पास करनी होगी इस केस में, मैं नरेशन आपको दे देता हूं, ये तो बीइंग अमाउंट पेड,
अमाउंट हमने पे कर दिया उसकी एंट्री है। ये आपका बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट को बेचना ही बेचना है, पैसे की कमी हो तो भी ना हो तो भी हमें हटाना है जब तक कुछ ना बोले। और हमें अभी इसको भी हटाना है जी, बीइंग DRR, जब इसका यूज खत्म हो गया इस नाम को हमने क्या किया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि फिर से ये नाम फ्री हो जाएगा और इसको हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये काम पूरा आपका हो गया। मैं इसको अभी और क्लियरिटी लेकर आऊंगा, थोड़ा समय पहले एंट्री पर आपकी मास्टरी करा दूं, आप प्लीज कॉपी कर लीजिए। सर हो गया ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं, दूसरा क्वेश्चन इसे मिटा दूं मैं। यस सर, जरा फर्क समझना। अब मैं जो सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपको क्या बोल रहा है, लिखिए मेरे साथ यहां पे एग्जांपल नंबर टू, लिखेंगे आप एग्जांपल नंबर टू। कहता है कि बी लिमिटेड, ये भी कहता है कवर्ड है अंदर आपका अदर अनलिस्टेड कंपनी, अदर अनलिस्टेड कंपनी, ब्रैकेट क्लोज्ड। कहता हैड इश्यूड 15% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 20 lakhs ऑन 1st February 2019, फुल स्टॉप। कहता है कि आउट ऑफ दिस रुपीज 9 lakhs 15% डिवेंचर्स वेयर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 15th October 2021। कहता है कि मेक एंट्रीज फॉर इश्यू एंड रिडेम्पशन। थोड़ा सा और मैं इसको ट्विस्ट कर दूं, 15% डिवेंचर्स वेयर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 15 अक्टूबर 2021 एट प्रीमियम ऑफ 10%, फुल स्टॉप। मेक एंट्रीज लिख रहा है मेरे साथ फॉर इश्यू एंड रिडेम्पशन, हमें दोनों का यहां पे एंट्री पास करना। आओ ना देखो मैं सॉल्यूशन में आपको दिखाऊं, ध्यान समझना। इस पर सारे डिवेंचर्स रिडीम नहीं हो रहे, सिर्फ 9 lakhs के आप डिवेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, है ना बच्चे। तो पहले तो मैं 1 फरवरी की एंट्री कर लू, जब हमने डिवेंचर्स इश्यू किया था 1st February 2019, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये मानते हुए उस दिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो चुका है जी, तो एंट्री कितने का हुआ है 20 lakhs का। इश्यू तो हमने 20 lakhs का किया था ना, तो 20 lakhs। अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, 15% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 20 lakhs रुपीज टू, आपने बोला यहां पे 15% डिवेंचर्स अकाउंट, हमने उनको डिवेंचर्स बना दिया यानी कि लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये एंट्री आपका हुआ 1 फरवरी को। मैं डायग्राम से कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन पहले इसको मैं मिटा दूं। आप वो दो एंट्री की यहां पे कॉपी कर लीजिए, इसके बाद मैं अब यहां पे शुरू करता हूं। देखो ध्यान देने वाली बात है, यहां पे डिस्प्यूट्स दिमाग में ना उठे। पहले बताओ इश्यू कब हुआ था, इश्यू हुआ था 1st February 2019 को, और रिडेम्पशन डेट कहता है 15th October 2021। ये डेट ऑफ रिडेम्पशन है ऑफ कितना डिवेंचर्स, 9 lakhs रुपीज के, 9 lakhs। जरा बताओ इसके बाद पहला 31st मार्च कब आएगा, 31st मार्च 2019, अगला
ये आएगा 31st मार्च 2020, फिर आपका 31st मार्च 2021। यहां तक क्लियरिटी है? यस सर। और वो डेट ऑफ रिडम्पशन है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझना होगा कि हमें जो डीआरआर में बनाना है, डीआरआर जो बनाना है, वो डीआरआर आप किसका बनाओगे, क्योंकि इश्यू तो 20 लैक्स का हुआ था और रिडम्पशन सिर्फ 9 लैक्स का हो रहा है। तो डीआरआर जो 10% आपको बनाना है वो 20 लैक्स पे कि 9 लैक्स पे, ध्यान सुनना। ऐसे तो रिक्वायरमेंट है कि भैया जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग डिवेंचर हैं, यानी कि 20 लैक्स, उसका 10% आपको डीआरआर बनाना है। मतलब वी नीड डीआरआर ऑफ एटलीस्ट 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए हमें क्या करना है, डीआरआर बनाना है। लेकिन 2 लाख कब बनाना है? ये कहते हैं कि उनका रिडम्पशन को, रिडम्पशन के डेट आने के पहले तक। मतलब ये 20 लाख का जो आपका, मान लो बाकी के डिवेंचर्स अगर यहां रिडीम हो रहे हैं, वो मान लो 31st मार्च 2025 को बाकी 11 लाख रुपए के डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं। तो मेरे बच्चे, हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। या तो सारा का सारा, यानी कि 20 लाख का जो 10% होगा उसको मैं यहीं पे बना लूं, या फिर 20 लाख का जो 10% बनाना है उसमें कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, या सिर्फ यहां, कहीं भी बना सकता हूं। मुझे ये ध्यान रखना है कि जब वो रिडम्पशन होगा उसके पहले बन के तैयार हो जाए। तो मेरे पास कई सारे उपाय। एक उपाय ये भी है कि भैया ठीक है, ये जो अगर ये डेट ऑफ रिडम्पशन है तो 9 लाख के ऊपर जो डीआरआर बनाना है मैं इधर बना लेता हूं, और बाकी 11 लाख पे जो होगा उसको बाद में बना लूंगा। कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कब कब बनाती है, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं आपके एग्जाम की बात करूंगा कि हमारे एग्जाम में क्या होगा, तो मेरे बच्चे आपके एग्जाम में कहते हैं कि जब डेट आपको ना बताए कि डीआरआर कब बनाया गया, तो हम मानेंगे कि यहां, यानी कि 31st मार्च 2019 को ही हमने सारे कंप्लायंस कर लिए। सारे कंप्लायंस में जो मैं डीआरआर बनाऊंगा, डीआरआर, वो 20 लाख का 10%, यानी कि 2 लाख रुपीज मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो डेबिट कर दूंगा वो 2 लाख कर दूंगा। अगर कोई बच्चा 2 लाख के बजाय वो 9 लाख का 10% बना देता है तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, 90,000, क्योंकि जो डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं उनके पहले डीआरआर उतना होना चाहिए। तो 90,000 अभी बना दूंगा, बाकी इसके बाद अभी टाइम है ना हमारे पास, अभी 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, बहुत टाइम है, हम तब बना लेंगे, हमें कोई परेशानी थोड़ी है। लेकिन मैं एडवाइज करता हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कहा गया है कि जब डेट ना बताया कि कब ये कंप्लाई हुआ, तो हम क्या करेंगे कि डेट ऑफ अलॉटमेंट को, या उससे भी अच्छा होगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट के बाद जो पहला 31st मार्च आएगा मेरे बच्चे, हम उस दिन ही पूरा कंप्लायंस कर लेंगे। तो 31st मार्च 2019 को हमने 2 लाख से क्या किया जी, यहीं पे कंप्लाई कर लिया। और हाँ, आज ही 31st मार्च 2019, अप्रैल भी आने का वेट नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट भी आज ही कर लेंगे। तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, आप यहां बोलेंगे बैंक। हाँ, यहां ध्यान रखना, ये जो इन्वेस्टमेंट वाला काम है, वो इन्वेस्टमेंट वाला काम कहता है कि जो डिवेंचर्स 31st मार्च तक रिडीम हो रहे हैं उनका 15%। मतलब इन्वेस्टमेंट जो होगा हम इसका 15% बनाएंगे। वो मैंने मिटा दिया, आप देखेंगे वो साफ साफ लिखा था कि जो 31st मार्च तक जो डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं उसका 15% तक का इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। वो 15% का यहां भी हो सकता है, यहां भी, मतलब पार्ट पार्ट में भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। तो मैं जो ये 31st मार्च 2019 को जो इन्वेस्टमेंट करूंगा वो 9 लाख पे करूंगा, 9 लाख पे, ना कि पूरे पे। अच्छा, यहां लिखा था हमने, तो ये 9 लाख रुपीज का आपका कितना जी, 15%। समझे मेरी बात ना? यहां पे उसने साफ साफ लिखा है कि जो करंट ईयर में 31st मार्च तक रिडीम होगा उसका 15% का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और इसका तो पूरा हम कर लिए, ठीक है। अगर ये हम आपका 9 लाख करेंगे तब भी कोई गलत नहीं होगा, मैं आपको बता चुका हूं। तो 9 लाख का 15%, ये आपका हो गया 1,35,000, ठीक है ना, ये 31st मार्च को हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा क्वेश्चन और बढ़ा दू क्या? Make entries for issue and redemption full stop. Assume investment
इन्वेस्टमेंट सोल्ड सोल्ड फॉर रुपीज कितने का था वो 135 को ना 1,40,000 में 1,40,000 में बिक गया। ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी बोल सकता है। ये तो हमने पहले एंट्री कंप्लीट कर लिया जी इन्वेस्टमेंट करने का और डीआरआर बनाने का। अब आ गया 15th October 2021 डेट ऑफ रिडम्पशन। मैं क्या करूंगा डेट ऑफ रिडम्पशन पे हमें डिवेंचर्स का कितना वापस करना है, ये सॉरी मैं कहां चला गया था, ये क्वेश्चन था ना 9 लाख रुपीज का। तो मैं यहां पे 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट करूंगा 9 लाख रुपीज से। और हमें डेबिट करना है क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि यहां पे रिडम्पशन आपका प्रीमियम पे होता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है जी, आपका प्रीमियम कितना था कहीं 10%, तो ये आ गया 90,000। ठीक है ना। एंड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट कितना 9,90,000। ये ड्यू की एंट्री होगी, अगली एंट्री में हम इनका पेमेंट कर देंगे। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हमने कितना पे कर दिया 9,90,000। अब क्योंकि इनका पेमेंट हो चुका है, हमारा जो पहले से जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं बेच देना होगा और डीआरआर को भी हमें क्या करना होगा ट्रांसफर करना होगा। ठीक है ना, जिसके में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ध्यान से मेरी बात देखेंगे, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो जब इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड। और टू आपने क्या बोला डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना। इन्वेस्टमेंट हमारा 1,35,000 का चला गया, बिका कितने में 1,40,000 में, फायदा कितने का हो गया 5,000 का। ये फायदा कहां ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सब कहां चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं या प्रॉफिट ऑन सेल भी लिख सकते हैं, और अगली एंट्री में प्रॉफिट ऑन सेल को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूं यहां पे बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड हमने क्या किया आपका बेच दिया। इसके बाद हमें अब डीआरआर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ध्यान से ऐसा नहीं कि सारे डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो डिवेंचर्स रिडीम हो गया मेरे बच्चे उनके नाम के डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ मेरी बात ना। तो हमारे डिवेंचर्स 9 लाख के रिडीम हुए हैं, 9 लाख का 10% कितना होता है 90,000, यानी कि हमें डीआरआर से अगली एंट्री, मेरे पास जगह नहीं यहां लिख देता हूं, मेरे पास जो डीआरआर से ये जो आपका डीआरआर अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, जो हम इसको अब खत्म करेंगे अपने अकाउंट से, वो पूरे 2 लाख से नहीं, 2 लाख तो हमने 20 लाख से बनाया था, और जो डिवेंचर्स रिडीम हो गया अब उनके डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे बच्चे, तो 9 लाख का 10% यानी कि 90,000 से एंट्री किया जाएगा। बाकी अभी डीआरआर रहेगा, बाकी रहेगा वो तब तक रहेगा जब बाकी के डिवेंचर्स रिडीम ना हो जाए, उनके ऊपर भी तो रूल था आपका। तो ये काम किया, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी यहां पे पूरे 20 लाख का करते तो भी सारे इन्वेस्टमेंट को नहीं बेचते, इन्वेस्टमेंट वही बिकता जो उस डिवेंचर्स के ऊपर आपका हुआ है। दोबारा सुन लो, अगर इन्वेस्टमेंट भी कहते कि भैया मैं 20 लाख का 15 यानी कि 3 लाख का करूंगा, कर दो आपकी मर्जी, जब कुछ ना बताए तो, लेकिन बेचने की एंट्री आपका 135 का ही होगा, मतलब आपका जो उस 9 लाख पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था 15% का, जो रिडीम हो गया उसके नाम का इन्वेस्टमेंट भी हटा दो, उसके नाम का डीआरआर भी हटा दो, जो बच गया वो रहेगा। अभी चिंता नहीं करना, मैं इसको और इनडेप्थ लेके जाऊंगा और प्रैक्टिकली इसका बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट होगा वो भी दिखाऊंगा, बट अभी स्लोली स्लोली आपको समझा रहा हूं। एक बात और, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये जो एक्स्ट्रा पे किया था हमारा एक्सपेंस है जी, तो जो एक्सपेंस है वो भी कहां चला जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो मैं ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसकी एक एंट्री और पास कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या एसपीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इस नाम को हटा देंगे, है ना। जब हम प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो डेबिट में जाता है ना, तो ये 90,000 का अमाउंट हमने वहां भी कर लिया, मतलब जितने भी हम एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे हमारे जो एक्सपेंसेज होंगे दे ऑल विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप प्लीज कॉपी करें इसको, आप प्लीज कॉपी करें। मैं आज आपको जो डीआरआर है, मैंने कहा था रिडम्पशन मे बी इन लम सम
और इन इंस्टॉलमेंट, तो लमसम वाला एग्जाम्पल नंबर वन था, पूरा पैसा एक साल रिडीम हो गया। ये इंस्टॉलमेंट में है, कुछ अभी कुछ बाद में कुछ बाद में, तो जितना होगा उससे हम काम करेंगे जी। आप कॉपी कर लीजिए, मैं काम करूं क्या, मैं यहां दिखाई देता हूं कहीं बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बता नहीं रहा है। ये जो एंट्री है मेरे बच्चे, हम 2 लाख से भी कर सकते हैं या 9 लाख का क्या बोलते हैं वो 10%, यानी कि ये एंट्री आपका 90,000 से भी हो सकता था, है ना, ये 135 से भी हो सकता था, और ये एंट्री आपका कितना, आपका 20 लाख का 15%, यानी कि 3 लाख से भी हो सकता था। बट इन ऑल द सिचुएशन, ये जो बेचने वाली एंट्री होगी और जो आपको ये ट्रांसफर करने वाली एंट्री होगी, ये तो हमेशा उसी पे होगी जो डिबेंचर्स आपने रिडीम किया है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। इसको मिटा दो? यस सर। 2 एग्जाम्पल हुआ, मुझे एक एग्जाम्पल और करना है आपके लिए और फिर आज की क्लास को हम एंड कर लेंगे। अभी इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, बट हम देखेंगे अगली क्लास में। ये लीजिए, मैं पहले इसको मिटा दूं और मैं अब आपको कुछ डेट देना चाहता हूं इस बार। तो अगर क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा कि भैया आपने इस दिन किया, इस दिन किया, तो हम उसके हिसाब से काम कर लेंगे, हमें कोई परेशानी थोड़ी है। ये लो, मैं पहले इसको मिटा दूं। अब एक क्वेश्चन देता हूं जहां पे उसने खास आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, खास इंस्ट्रक्शन। तो लिखो ना एक एग्जाम्पल नंबर 3 आपका। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि सी लिमिटेड, कहता है अनलिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी कह देता तब तो टेंशन ही खत्म है, डीआरआर बनता ही नहीं है। बट अनलिस्टेड कंपनी कहता है इशूड 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 10 लैक्स एट प्रीमियम ऑफ 20%, कब, ऑन 1st July 2019, फुल स्टॉप। कहता है कि दिस डिवेंचर्स वेयर रिडीमेबल एट पार ऑन 31st March 2021, फुल स्टॉप। कहता है यहां पे ऑल लीगल कंप्लायंस वेयर फुलफिल्ड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच ईयर बिफोर रिडम्पशन। मतलब इकट्ठा ना करके हम लोगों ने पार्ट पार्ट में किया है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में ईच ईयर। बोलते हैं कि मेक एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन की एंट्री करना है। इफ इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, 10% लॉस पे आपने बेचा है। आओ ना मैं सॉल्यूशन में इस बार एक काम करूंगा, क्योंकि हमें डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार तो झगड़े कई तरीके के थे, बट यहां कोई झगड़ा है नहीं। हमें वो कह रहा है कि भैया हर एक साल करना आपको, तो पहले बताओ इशू कब हुआ था। 1st July 2019, ये इशू का डेट है, ये लिख दिया। रिडम्पशन कब हो रहा है जी, ये आपका रिडम्पशन है, दिस इज ऑन 31st March 2021। इसके पहले सारे कंप्लायंस हो जाने चाहिए, तो ठीक है। जरा बताओ 31st March 2019 के बाद पहला साल कब खत्म होगा, 31st March 2020। ओहो, ये तो एक ही साल आया, मुझे 2 साल करना था, माफ कीजिए। इसको मैं 2022 कर देता हूं, आप ही कर लो क्वेश्चन के अंदर में। और ये रहा 22 आपका।
तो 31 मार्च 2020 और एक साल आ गया 31 मार्च 2021, दिस इज डेट ऑफ रिडम्पशन, ध्यान रखना, इसके पहले सारे कंप्लायंस हो जाए, मतलब यहां तक आपका डीआरआर बन के पूरा तैयार हो जाए और 30 अप्रैल 2021 तक आपका डीआरआई बन के तैयार हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन में डीआरआई बनाने का डेट नहीं बता रहा है, वो कह रहा है बस इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर दो, तो हम जिस दिन प्रॉफिट लॉस से पैसा निकालेंगे हम उसी दिन सारी एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। देखो मैं कैसे करता हूं, स्टार्ट करते हैं, पहले हम इशू की एंट्री, आइए इशू आपने किया है 1 जुलाई 2019 को, मैं एक बार इकट्ठा एंट्री कर देता हूँ जी, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आपने इशू किया है प्रीमियम पे, चलो मैं अलग अलग कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री जितना पैसा आया तो 10 लाख एंड 20% ये 12 लाख रुपीज से एंट्री हो जाएगी, 12 लाख रुपीज। अगली एंट्री में आज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर अकाउंट, ये आपका 12 लाख का अमाउंट है जिसमें से डिवेंचर 10 लाख के हैं, फेस वैल्यू यहां आता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने रिसीव किया है दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना जी 2 लाख का अमाउंट, कोई डाउट नहीं सर, इश्यू की एंट्री हो गई। बच्चे अब 2 साल है तो मैं अब पहले क्या करूंगा, 31 मार्च 2020, ध्यान रखना हमें टोटल डीआरआर कितना चाहिए, हमें टोटल डीआरआर तो भैया 10% इज रिक्वायर्ड ऑफ व्हाट, 12 लाख की 10 लाख, 10 लाख फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू ने लिखाया था जो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स होगा ना उसका, तो हमें टोटल डीआरआर 10 लाख रुपीज का आपको चाहिए 10%, यानी कि वी नीड 1 लाख रुपीज का डीआरआर। इस 2 साल में हमें बना के तैयार करना है तो डिवाइड बाई 2, यानी कि हर एक साल 50,000 50,000। तो आओ ना मैं यहाँ पे 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एसपीएल अकाउंट डेबिट टू, आपने बोला डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना जी 50,000, समझ लो ना, क्योंकि उसने कह दिया है कि आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है दोनों साल, तो हम ठीक वही कर रहे हैं, ना बोलता तो मैं सारा यही कर लेता जी। और आज ही मेरे बच्चे 31 मार्च 2020 को मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, इन्वेस्टमेंट भी आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट में हुआ है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, 10 लाख का 15%, मतलब 1.5 लाख रुपए हमें टोटल जो डीआरआई चाहिए वो चाहिए 10 लाख रुपीज का 15%, यानी कि आपका सॉरी 15% यानी कि 1,50,000, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो 75,000 तो मैं अगला क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा 75 का, तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, आप क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट, है ना, और हमने 75 75 फिर एग्जाम में वर्किंग दिखाना होगा, दिखा देना इसको ठीक से लिख के क्या जाता है, अभी तो मैं समझा रहा हूं आपको, ये आपका काम हो गया। फिर समय आगे चला मेरे बच्चे, अब 31 मार्च 2021 आ गया, आज फिर से हम वही 2 काम करेंगे, एक तो डीआरआर बनेगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डीआरआर, कितना, तो बाकी का 50,000, ताकि 1 लाख पूरा हो जाए, है ना, रिडम्पशन के पहले 10% बन जाना चाहिए, तो आधा पहले आधा अभी, और 31 मार्च 2021 को हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे बाकी, तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डीआरआई अकाउंट डेबिटेड शॉर्ट में टू बैंक अकाउंट। सर एग्जाम में हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लेकिन आप पूरा लिखना ना, बहुत टाइम रहेगा आपके पास, ये तो बहुत सिंपल हो गया, पहले जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर था ना सिंकिंग फंड, ये वो बहुत टफ होता था समझने के लिए, आपको नहीं लगता बट था बच्चों के लिए, ये तो बहुत सिंपल है, हमने क्या किया जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो भी काम पूरा कर लिया। सर इन्वेस्टमेंट करने का लास्ट डेट ये है, हाँ बच्चे लास्ट डेट है,
अगर उसके पहले क्या तो कोई पाप थोड़े ही कर दिया, हमें यहां तक करना था, डेट ना बताया तो हम क्या करेंगे, यहीं पे कर देंगे दोनों काम। जब प्रॉफिट से निकाला उस टाइम पे आपके स्टडी मटेरियल में यही बात लिखा हुआ है, हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप पढ़ लेना मेरे बुक को, पता चल जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद बस डेट ऑफ रिडम्पशन आ गया, यानी कि 31 मार्च 2022। आओ ना, अब हमें क्या करना है जी, डिवेंचर रिडीम करना है पार पे। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर। प्रीमियम होता तो प्रीमियम भी डेबिट कर देता, जो भी कुछ पे करना होता है ना। तो कितना जी हमें डिवेंचर्स का फेस वैल्यू कितना, 10 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख हमें क्या करना है, ये ड्यू करने की एंट्री की, और फिर इसका पेमेंट कर दो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सर इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री पहले नहीं होनी चाहिए, कर देना। वो ऐसा थोड़े कह रहा है कि पैसे की कमी है, वो तो हमने सेफ्टी के लिए किया था कि भैया इन्वेस्ट करके रख दो, कहीं पैसे कम पड़ेंगे तो हम वहां पे बेच के पैसा ले लेंगे। बट कंपनी ने पूरा अच्छा फंड मेंटेन किया, कोई दिक्कत नहीं है। लो अब बेच देता हूं यहां पे, यहां कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट बी का है, तो जब इन्वेस्टमेंट बी का बैंक अकाउंट डेबिटेड और लॉस पे भी का है मेरे बच्चे, तो लॉस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, लॉस ऑन सेल को भी डेबिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है, तो 50 यहां के, ओह माफ कीजिए 75 था, माफ करो 75 था, 15% का था ना बच्चों, बुढ़ा हो गया मुझे, ध्यान ही नहीं रहता कोई चीज का, मैं क्या करूं। तो 75 75, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट चला गया, और बिका भी है कितने का लॉस पे, 10% पे, तो 15,000 का लॉस हो गया, यानी कि 135 आपका बैंक में आ गया, इन्वेस्टमेंट बिक गया। हमें डीआरआर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डीआरआर अब नाम जो क्रेडिट किया था आप उसको डेबिट कर दो। टोटल कितना था जी, 1 लाख, और इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में। अभी आप चिंता नहीं करना, इसका पूरा एप्लीकेशन में अगली क्लास में समझाऊंगा, अभी दिमाग में बैठाते चलो जो बात मैं कर रहा हूं। बस बस मेरे बच्चे, ये भी काम खत्म हो गया, ये भी काम हो गया, डिवेंचर्स रिडीम हो गए, कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन तो यहाँ पे है नहीं, अगर होता तो उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करता, बट खत्म होगी बात, अब काम यहाँ पे खत्म हो गया। आप प्लीज कॉपी कर लो, आप कॉपी कर लो, 3 एग्जाम्पल मैंने कराया आपको, बताया इसमें क्या निकल के आता है, बस इतनी सारी बातें समझाई, 18(1) आपका और 18(7) को हमने देखा था। डिवेंचर्स को रिडीम करने के मेथड्स क्या होते हैं, डेट थोड़ा याद रखना हमने यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। यही नहीं, इनके सिवाय मेरी बुक में जो भी थ्योरीज है उनको भी पढ़ जाना है। ऐसे में सारी बातें आपको समझाया जा रहा हूं, कुछ लिखकर कुछ क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, लेकिन आप एक काम जरूर करना, जब चैप्टर एंड होगा ना बच्चे, तो बुक में जितनी भी थ्योरीज मेरी है उनको आपको दोबारा पढ़ जाना, बहुत क्लियरिटी से समझ में आएगा। अभी ये डीआरआर वाली बात थोड़ी सी दिमाग में कहीं खनक रही होगी, उसको भी क्लियरिटी लेकर आऊंगा। वो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, हमारा जो आपका कन्वर्जन मेथड है वो क्या, अरे हाँ कन्वर्जन पे बात की याद आई, सुन लो, आप किसी को बोलना नहीं, ये बात सिर्फ हमारे और आपके बीच में होनी चाहिए। अगर मान लो एक डिवेंचर, अगर हमने डिवेंचर इशू किया 1 लाख रुपए का, बहुत ध्यान सुन लो, ऐसे मैंने बुक में दिया है, ये अब भूल जाता तो फिर काम खराब हो जाता, अच्छा हुआ कि मैंने अभी बता दिया। अगर 1 लाख के डिवेंचर आपने इशू किए हैं और आप कहते हो कि इसमें जो है कन्वर्टेबल है वो 40,000 है एंड नॉन कन्वर्टेबल आपका 60, का मतलब होता है कि 40,000 रुपीज ऑफ डिवेंचर्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा बाद में किसी और शेयर्स में या डिवेंचर्स में, ये कन्वर्टेबल है किसी और सिक्योरिटी में, ये नॉन कन्वर्टेबल है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो डीआरआर बनाने का जो कंडीशन था ना, डीआरआर बनाने का कंडीशन, वो सिर्फ और सिर्फ उसी में फॉलो होगा जो नॉन कन्वर्टेबल है, मतलब जिनका पेमेंट हमें करना है, इसका तो कोई पेमेंट ही नहीं करना। तो वो 10% या 15% का जो आपका स्लैब है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन पे अप्लाई होगा। एग्जाम में आ जाए कि क्या डीआरआर की रिक्वायरमेंट है ऑन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ द डिवेंचर्स, नो रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नो डीआरआर रिक्वायर्ड। किस पे रिक्वायर्ड है, नॉन कन्वर्टेबल वाले पार्ट पे, जिसका पेमेंट हमें कैश में करना है, हम उनके लिए बात करेंगे। तो इसका कोई बड़ी बात नहीं, हम क्वेश्चन के साथ और देखेंगे, बट ये ध्यान में आपका रहना चाहिए कि कन्वर्टेबल पार्ट पे हमें डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो नॉन कन्वर्टेबल है मेरे बच्चे उसी पे रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? यस सर। तो आप प्लीज कॉपी करें, आपको अभी अगली क्लास में आऊंगा, इसकी आगे डिस्कशन करें, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बहुत मजा अभी इस चैप्टर में लेना है,
आज बस इतना ही, आज बस इतना ही। आप सारे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।